नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करें तो जी काफी सारी क्वेरीज आती हैं, जब मोस्टली बात करें हर 10 में से 8 लोग हैं आज की डेट में कनाडा जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों के ज्यादातर लोगों के जो फ्रेश पासपोर्ट है उनको एजेंट बोलते हैं ट्रैवल एजेंसी बना लो। ये क्या स्टोरी होती है एग्जैक्टली, क्या फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आ सकते हैं नहीं, तो आज इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। मैंने कल वाली वीडियो में एक चीज क्लियर की थी कि हाँ, भी आपका पर्पस ऑफ विजिट, मोस्टली जो रिफ्यूजल का रीजन आता है वो पर्पस ऑफ विजिट का होता है, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपके फाइनेंशियल्स, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका जाने का मकसद क्या है, वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ टाई अप होती हैं। ऐसा नहीं कि आपके आईटीआर वो 6 लाख की, मतलब कि अगर आपकी 6 लाख की आईटीआर तो पर मंथ आप 50,000 अर्न कर रहे हो और आपके अकाउंट में पड़े हैं 25 लाख रुपए, 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, यार ये चीजें एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं। ठीक है, एजेंट्स की बातों में मत जाओ, खुद भी थोड़ा बहुत स्टडी करो। ठीक है, आपकी फाइल है, आप ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो आपका पूरा हक बनता है ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और गेन करके आने वाले जिस भी एजेंट से फाइल अप्लाई करवा रहे हो उसको बोलो कि हाँ भी ऐसे करके भी मेरी फाइल में क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा बहुत आप अपनी फाइल को समझो कि आपको लगता है कि आपकी फाइल में वीजा आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल में वीजा आपको चाहिए या अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करना चाहते हो तो एक बार मेरी डॉक्यूमेंटेशन वाली वीडियो देख लेना, थोड़ी सी शायद आपको बोरिंग लगे, क्योंकि देखो यार उसमें इन्फॉर्मेशन मैंने सारी कवर करने की कोशिश कर कैनेडा बेस्ड खुद सामने से बता रही कि मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आपको मेरे चैनल पे भी विजिट करोगे तो 3-4 दिन पहले ही वीडियो पोस्ट किए डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करें ट्रैवल हिस्ट्री की। जो आज के डेट में फ्रेश पासपोर्ट है, एजेंट्स बोलते कि आप ट्रैवल करो आपको उसके वीजा बिना वीजा नहीं मिलेगा, ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आप जीसी की बनाते हो, आप डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो देखो, मैंने वहां पे जीसी की नहीं बनाई लेकिन जीसी के बारे में बात की है, आप मेरे चैनल पे जीसी की वीडियो देख सकते हो। वहां पे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हैव यू एवर बीन ट्रैवल टू यूएस, या फिर आपके पास यूएस का ग्रीन कार्ड है, आप यूएस सिटीजन हो, मतलब कि बड़ी कंट्रीज की बात की जाती है, और वहां पे सिंपल ये भी लिखा जाता है कि आपकी ट्रैवल हो के नहीं हो। ठीक है ना, तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर मान लो मेरी नहीं है तो मैं वहां पे नो कर सकता, मतलब वो एक मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन वो ये चीज भी नहीं कि हाँ भी अगर आपके एजेंट बोल रहे हैं पहले सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज घूमाओ तो आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा। देखो एक बार आप कंट्रीज ट्रैवल करने जा रहे हो तो कम से कम 1-1.5 लाख, 2 लाख का खर्चा इजीली आपको करना पड़ेगा, फिर आपका फाइनेंशियल भी डाउन आएगा, क्योंकि जो आप बैंक स्टेटमेंट रेडी कर रहे थे उसमें से आपका सारा खर्चा जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको आगे कनाडा के लिए फाइल भी अप्लाई करनी है, उसका भी खर्चा, मतलब एक बंदा अगर सिंगल पर्सन ट्रैवल करना चाहता है तो 2-2.5 लाख का खर्चा कनाडा फाइल लगाने तक का लेके चले, और अगर हस्बैंड वाइफ है वो पहले अकाउंट में 5-7 लाख पड़े हैं और वो भी आप ट्रैवल एक्सपेंस में 5 लाख रुपए निकाल दो तब भी कोई गारंटी नहीं है, और एक माइनस पॉइंट हो जाएगा क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स भी डाउन चले जाएंगे। तो ये चीज समझो, ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जाने का मकसद क्या है। कनाडा बेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको वीजा देने में, वो सिर्फ आपको, मतलब आपको उनको सेटिस्फाई करना है जिसके ऊपर आपको वीजा आएगा। वो सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रूफ दो, लाइक आपकी जॉब है तो जॉब के डॉक्यूमेंटेशन लगाओ, आईटीआर वगैरह लगाओ, वो जरूरी है। ठीक है जी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपको ये प्रूफ होगा कि हाँ जी आपकी ये जॉब है, आप डॉक्यूमेंटेशन जब प्रेजेंट कर दो, पर उन्हीं सोर्स ऑफ इनकम के बेस पे आप आगे क्या सेविंग्स कर रहे हो वो चीजें डिस्प्ले करो। ठीक है जी, उसके बाद अगर आपकी होटल बुकिंग है तो कन्फर्म्ड होटल बुकिंग लगाओ, अगर आपकी इनविटेशन है तो इनविटेशन के डॉक्यूमेंटेशन, इनवाइटर से जो आपको इनवाइट कर रहा है उससे मंगवाओ, ये नहीं कि केवल इनविटेशन का पेज लगा दिया और उसके साथ उसका पासपोर्ट या पीआर कार्ड लगा दिया, नहीं, आपको इनविटेशन के साथ काफी डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपनी एक फाइल लगा रही हो, ठीक है, इसमें जो बंदा आपको बुला रहा है वो अपनी तरफ से भी ये चीज आपको लिख के दे सकते हैं कि हाँ भी इन केस अगर कहीं पे कुछ भी फाइनेंशियली इनको जरूरत पड़ती है तो ये मेरे पास आ रहे हैं कनाडा में, मैं इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करूंगा। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। उसके बाद उनके जो फाइनेंशियल्स भी लगाओ, उनके जहाँ पे वो रहते हैं उनका वो आईडी कार्ड हो गया या रेंट एग्रीमेंट हो गया, उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, उनका बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मेरी डॉक्यूमेंटेशन वाली वीडियो में मिल जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो दोस्तों एक सिंपल ये बात समझो, फ्रेश पासपोर्ट पे मैं देखो यार मैं वीडियोस में आपको वीजा नहीं दिखाता, मेरे पास वीजा आए भी मैंने एक बार दिखाए थे थोड़े से, ठीक है, जो मेरे पास फोल्डर में पड़े थे स्कैन करके रखे, काफी सारे वीजा हैं जो मैंने अभी तक जिनकी फाइल्स मैंने प्रोसेस की मैंने मंगवाई भी नहीं है। ठीक है, रिफ्यूजल भी आती मैं ये नहीं कहता, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पे भी मेरे पास काफी सारे वीजा आए हैं। ठीक है, मैं भी आपके जैसे ही फाइल्स जो है
एज ए फ्रीलांसर मैं फाइल्स करता हूँ, लेकिन एजेंट और मेरे में बहुत फर्क है। वो लोग फाइल दिखाते हैं, कुछ दिखाते नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते, यार हमने पैसे दिए हैं, हमने सर्विस चार्ज आपको दिया है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे एटीट्यूड दिखा रहे, हम नहीं देंगे हमारी कंपनी की पॉलिसी। कौन सी कंपनी की पॉलिसी है मेरे को ये बताओ? हमने आपको सर्विस चार्ज दिया, हमारी जो फाइनल फाइल है वो हमको हैंड ओवर करो। मैंने फाइल भी हैंड ओवर की, यूजीसी की भी क्लाइंट को हैंड ओवर की, डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाई, ठीक है ना। मेरे और एजेंट में ये फर्क दिखेगा। आज भी मैंने एक फाइल सबमिट की है, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे थे, ठीक है, फाइल सबमिट किया, एक एक पेज एक एक चीज उनको दिखाई कि सर आप खुद से चेक करो, मैं भी इंसान हूँ, क्लेरिकल मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अकेली अकेली चीज मैंने उनको दिखाई है, दिखाने के बाद उनके सामने ही पूरी ऑनलाइन जीसी के ऊपर फाइल सबमिट की, उसके बाद उनको सारे डॉक्यूमेंट जो फाइनल अपलोड थे मेल किए, और उसके बाद उनको जीसी की भी हैंड ओवर की कि सर ये आपकी जीसी की है, इसको आपको ऐसे ऐसे करके लॉग इन करना, ठीक है, और आपको बस डेली का ये फाइनल डिसीजन हो रहा है, ऊपर जो रिव्यू वाला ऑप्शन है वहां पे स्टेटस चेक करते रहना डेली, दिन में एक बार करो, अच्छी बात रहेगी, आपको अपडेट्स आते रहेंगे। इनकेस रिक्वायरमेंट कुछ आती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको मैसेज सिर्फ 5 या 7 दिन का या मैक्सिमम 10 दिन का टाइम ही देती है। तो अगर आप एक हफ्ता लॉग इन ही नहीं करोगे, उसके बाद सैटरडे संडे भी आ गया, तो आप अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको कम्प्लीट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही छोटी सी अपडेट थी, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रख के चलो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो देख सकते हो, अपनी फाइल अच्छे से प्रेजेंट करके फाइल लगाओ। अगर आपको लगता है कि मेरी भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे साथ वहां पे बात करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही छोटी सी अपडेट थी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें, आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।